से उस बंदूक को चला देता है जो सीधा जाकर बारूद के एक बैग में लगती है और वहाँ एक धमाका होता है। सारी कैट्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर मैक उनसे कहता है कि वो लोग फिर से आएंगे, इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं और मैक उन कैट्स को अपने पीछे भगाता हुआ उस ऊंचे टावर के अंदर लेके चला जाता है और उसके एक इशारा देते ही रोजी बाकी सभी के साथ मिलकर उस टावर को गिरा देती है। सारे कैट्स वहीं पानी में गिर जाते हैं, पर वो सब एक लकड़ी के टूटे टुकड़े पे सवार हो जाते हैं। पर तब तक उनके घर में पूरी तरह से आग लग जाती है। मैक जल्दी से जाकर रॉबिन्सन को बचाने की कोशिश करता है। वो रॉबिन्सन को एक रस्सी की मदद से नीचे उतारने में सफल रहता है और तभी उस जहाज ने उसके ऊपर पानी की बौछार कर दी और रॉबिन्सन को पकड़कर वो लोग यहाँ ले आए। वो दोनों रैट्स बताते हैं कि ये लोग समुद्री लुटेरे हैं और ये लोग अब रॉबिन्सन को छोड़ने वाले नहीं हैं। उस जहाज का कैप्टन अपने आदमियों से रॉबिन्सन को पकड़कर रखने को कहता है। इधर वो सारे कैट्स उस लकड़ी के टुकड़े को भी उस जहाज की तरफ लाने लगते हैं। रॉबिन्सन भी वहाँ का एक बोट चुराकर भागने